नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नजर। लखनऊ, 97,000 नई शिक्षक भर्तियों की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन। सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव। सरकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग। DLED, BTC, TT पास अभ्यर्थियों ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही विज्ञापन को जारी करने की भी मांग को लेकर प्रदेश भर पर भारी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे। अभ्यर्थियों के मुताबिक जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को पुलिस ने लखनऊ के इको गार्डन पर भेजा। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर 22 लाख अभ्यर्थियों को अगर हम लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है तो आगामी 2022 पर चुनाव पर हम मुंह तो जवाब देंगे। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। शिक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरह आज बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या प्रदर्शन कर रहा उत्तर प्रदेश सरकार, जो नीतियाँ लागू की जा रही है चुनाव आते ही, इस पर क्या? देखिए, 69 ये जो हमारी नई शिक्षक भर्ती है इसको लेकर के आज हम लोग SC RT पर सुबह आंदोलन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने BJP कार्यालय का घेराव किया, हमारे कई साथी चोटिल हुए। और मैं तो बस सरकार से, प्रशासन से एक मांग करता हूँ कि 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द लागू हो, क्योंकि हम लोग कई 3-4 महीने से आंदोलन चला रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। क्या उत्तर प्रदेश का नौजवान आए दिन धरना दे रहा है? और जो पिछली भर्तियाँ हुई, चाहे वो 69,000 की हो या 65,500 की हो, शिक्षा मित्र के समायोजन की भर्तियाँ थीं। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी निर्दयी हो सकती है। जो सरकार वादा किया था कि हम अध्यापकों का सम्मान करेंगे और उनके लिए अच्छी सी भर्ती देंगे, आज क्या BJP सरकार को ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही कि हम क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो बोला गया है कि हम 4 लाख लोगों को रोज़गार दिए हैं, ये झूठ बोला है, कोई रोज़गार नहीं। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ सरकार से कि 97,000 शिक्षक भर्ती दे, क्यों नहीं दे रही है? आप देखिए कि वर्तमान में कितना नौजवान सड़क पे है, लाठियाँ खा रहा है, डंडे खा रहा है, आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं खुले शब्दों में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षक भर्ती जो 97,000 की नौजवान मांग कर रहा है, ये भर्ती जारी होनी चाहिए। और अगर शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो हम लोग अनवरत तरीके से धरना देंगे और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जी, लगातार आप शिक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उसके पहले भी आपने 69,000 भर्तियों के लिए प्रदर्शन किया और आज फिर एक बार पुनः से प्रदर्शन किया, इस पर क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में आप 2017 से लेकर अभी तक माननीय योगी जी की सरकार में कोई नए रिक्त पद पर भर्ती नहीं हुई है। ये जो आप 68,569 भर्ती देख रहे हैं, ये भर्ती शिक्षा मित्रों के सीटों पर समायोजन हुआ है। और हम सब की इतनी मांग है, हम सब नई जो भर्ती प्रदेश में जो है 1,61,000 रिक्त पद हैं, और उसी के लिए हम 97,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आज भाजपा कार्यालय घेराव किया गया था, जहाँ पर बाबर तरीके से जो है हम सबको मारा पीटा गया और वहाँ से हम सबको इको गार्डन लाया गया। और हम सब माननीय योगी जी से इतना कहना चाहते हैं कि हम सबके को जो है नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करें, अन्यथा हम सब आगामी जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें 22 लाख वोट इधर उधर करने में बहुत बड़ी योगदान की भूमिका निभाएंगे। इसलिए माननीय योगी जी से फिर एक बार पुनः निवेदन है, नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करें, यही आपके मंच से हम कहना चाहते हैं। लगातार प्रदेश सरकार द्वारा नौकरी देने की बात कही, कि 4 लाख के रोजगार भी देने की बात कही, और चुनाव आते ही फिर से शिक्षा भर्ती निकाली गई और पहली भर्ती को पूर्ण नहीं किया गया। देखिए, आप फिर वही चीज़ें कह रहे हैं कि भर्तियां निकाली गई, भर्तियां तो नई शिक्षक भर्ती निकाली ही नहीं गई। इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ही नहीं हुआ, ये शिक्षा मित्रों की सीटों पर ही समायोजन हुआ है। और ये जो 4 लाख का जुमलाबाजी है, फर्जी जो है 4 लाख को रोजगार जो देने का, ये फर्जी जुमले के लिए 4 करोड़ का पोस्टर ये रोड पर चिपकवा रहे हैं, उसी 4 करोड़ में कोई प्लांट या कुछ चीज करवा दें या उसी पर कुछ नौजवानों को रोजगार दे दें, तो कम से कम उसी से हम सब जो आत्महत्या हर इलाहाबाद, प्रयागराज, हर जिले में हर तीसरे दिन पर एक आत्महत्या जो है रोजगार कर रहा है, हम सब प्रशिक्षित हैं। परसों ही एक प्रशिक्षित ने आत्महत्या कर लिया, क्यों? क्योंकि नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। हम सब DLED प्रशिक्षु हैं, हम सब केवल
एक ही भर्ती में बैठ सकते हैं जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, और वो भी भर्ती आ नहीं रही है। और इसी के लिए हम सब रात दिन एक करके संघर्ष कर रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार से फिर पुनः आपके मंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी भर्ती के लिए ध्यान दें, अन्यथा जो आगामी चुनाव में इसका प्रभाव आप खुद देख लीजिएगा। हम लोग आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खास खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती के साथ।